कैसे आप सभी। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट दो वर्ण विचार को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट एक भाषा लिपि और व्याकरण को समझा था। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण और अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहते हैं क्योंकि अगर वर्ण या अक्षर नहीं होता तो भाषा ही नहीं होती। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड भी नहीं किए जा सकते। इसके बाद करती है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला के व्यवस्थित, मतलब वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को, एक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह बना दिया गया, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 आयुग्मवाह, 4 संयुक्त, 1 आगत और 2 अन्य वर्ण होते हैं। इनसे मिलकर हमारी पूरी भाषा की वर्णमाला बनी है। ऐसा नहीं है कि वर्ण में पहले बड़ा बड़ी कर दिया या छोटा बाद में कर दिया या काखा का पहले कर दिया। तो एक वर्णमाला का क्या है कि एक वर्णों की एक व्यवस्थित समूह को, जैसे का खा गा घा, छोटा बड़ा छोटी, तो यह क्या है? एक व्यवस्थित समूह बना दिया गया, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब आता है वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद क्या है? कितने हैं? 2, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या है? स्वर क्या होते हैं? स्वर उन्हें कहते हैं जिन वर्णों के मुख से निकलने वाली वायु बिना रुके बाहर आती है। और स्वर कितने होते हैं? 11। तो स्वर 11 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, बड़ा आ से लेकर औ तक। इसमें लिखा है स्वर के भेद। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, स्वर के 3 भेद होते हैं। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर में रखते हैं। ये कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इसके बाद में आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, इनसे दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। इसके बाद में आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, तिगुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी मात्राएं होती है। और प्लुत स्वर कैसे उच्चारण में आता है कि आप बहुत लंबा बोल रहे हैं, जैसे ओम या राम, तो ये क्या हो गए? हमारे प्लुत स्वर। इनकी मात्राएं होती है ये या फिर ये हो गए प्लुत स्वर की मात्रा चिन्ह। इसके बाद में आ जाता है व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब अंतस्थ स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जो जिनको उच्चारण करने में वायु या हमारे मुख का कोई ना कोई भाग स्पर्श होता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ या दंत। स्पर्श करने पर जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु किसी न किसी भाग से स्पर्श होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में का से लेकर मा तक आते हैं। इसके बाद में आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है बीच में या बीच में स्थित होना। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह है इनका उच्चारण करते समय जीभ तालु, दांत या ओठ से स्पर्श करती है। इसके बाद में आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है जो व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा या गर्मी बाहर निकलती है। आपने ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी या गर्म। तो इसका उच्चारण करते समय जब मुख से वायु बाहर आती है तो गर्मी का एहसास होता है, जैसे सा, सा, शा या हा। ये क्या हो गए? हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके बाद में आ जाता है आयोग्यवाह। आयोग्यवाह क्या होता है? ऐसी ध्वनियां जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, जैसे अंग और अहा, अंग अनुस्वर और चंद्रबिंदु अनुनाशिका। इसके बाद में विषय। तो अंग का चिन्ह होता है
अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होते हैं जब जब किसी चीज के ऊपर हमने बिंदी लगा दी तो वो क्या हो गया? हमारा अनुस्वार हो गया। यह चिन्ह होता है इसका। इन वर्णों के ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, जैसे गंगा, हंस, या फिर मान लीजिए आरंभ। ये क्या हो गया? अनुस्वार। अनुनासिका क्या होती है? अनुनासिका चंद्र बिंदु, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे चांद, मुंह, आंगन। तो ये क्या हो गया? अनुनासिका। इसके बाद में आ जाता है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का चिन्ह है दो बिंदु। विसर्ग होता है, इसका लगभग उच्चारण हा के समान होता है, हा, जैसे प्रातः, है ना। इसके बाद में आता है अंतः। तो ये हो गए हमारे विसर्ग वाले शब्द। इसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन चार प्रकार के होते हैं, छ, त्र, या और शा। छ का संयुक्त व्यंजन मतलब दो वर्णों से मिलकर जो बनता है, प्लस दो वर्णों से का और शा से मिलकर छा बन गया, ता और रा से मिलकर त्रा बन गया, जा और या से मिलकर ग्या बन गया, और सा और रा से मिलकर श्रा बन गया। इस तरह से ये हमारे संयुक्त व्यंजन चार प्रकार के होते हैं जो मिलकर बनते हैं। इसके बाद में आता है, आप देखिए इसमें आपके बुक में दिया गया है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? दो समान व्यंजन आपस में मिले हो तो क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन हो गया। जैसे मान लीजिए का प्लस का, तो इसका क्या हो गया? इसमें अपन दो व्यंजन मिल गए तो एक क्या हो गया? आधा हो गया। तो वो क्या हो जाते हैं? द्वित्व व्यंजन। इसके बाद में अल्प प्राण। इस पर अल्प प्राण क्या है? जिन व्यंजनों को उच्चरित करते समय श्वास वायु कम से कम या न्यून शक्ति से बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, जैसे क, ख, ड़, च, छ, जा। और महाप्राण क्या होता है? महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास वायु से अधिक मात्रा में या तीव्र वेग से बाहर निकलती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? महाप्राण। जैसे का, ख, छ, जा। यह क्या हो गए हमारे? यह 14 प्रकार के होते हैं। तो ये हो गए हमारे महाप्राण व्यंजन। इस तरह से हमारा वर्ण विचार आप लोगों को समझ में आया होगा कि वर्ण विचार में वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, स्वर, व्यंजन, अयोग्य आदि वर्णों के बारे में हमको बताया गया है। थैंक यू।